मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जब हम सलून में जाते तो जमीन पे बाल गिरे हुए रहते, और जब गैरेज में जाते तो जमीन पे तेल गिरा हुआ रहता है, ये बैंक वालों को क्या प्रॉब्लम है? कुछ समझ में नहीं आता। सुनो आए? अरे यार, तुमने रोटी में इतना ज्यादा घी क्यों लगा दी? सॉरी डार्लिंग, लगता है मैंने आपको अपनी रोटी दे दी है। भाई लोग कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। होती थी, फिर उसने अपना इलाज करवा लिया। अब वो गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब देखती है। शेर को जितना मर्जी दारू पिला दो, वो इंसान नहीं बन सकता। और वहीं एक इंसान को सिर्फ एक हाफ पिला दो तो वो साला झट से शेर बन जाता है। भाई कभी किसी लड़की का मैसेज पढ़ते हुए तेरे आंखों में से आंसू आए? आंसू तो दूर की बात, पहले मैसेज तो आए। पिता को, पापा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पापा को हाँ फादर। वेरी गुड। मम्मी को क्या कहते हैं? मदर। अरे वाह। चाचा को? चादर। चादर नहीं कहते हैं, अंकल कहते हैं। अच्छा अच्छा, अंकल अंकल। हाँ, और चाचा की वाइफ को? एंटीना। एंटीना नहीं, आंटी। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आंटी। हाँ, और आंटी के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीवायरस। बीड़ी पीने वालों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बीड़ी पी के बीड़ी का कवर रोड के किनारे ना फेंका करो, 100 के नोट के जैसा दिखता है वो। हेलो। हाँ बोलो। अरे इतने देर से कहाँ थी? फोन लगा रहा हूँ, उठाई क्यों नहीं? अरे मैं सो रही थी, आजकल बहुत नींद आती है, हमेशा सोती रहती हूँ। तुम फोन कौन सा यूज करती हो? नोकिया 1100। दैट तेरा भला हो। अरे तभी तो तुम सोती रहती हो। तुम एक काम करो, एक स्मार्टफोन ले लो। हा? और उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लो, सब ठीक हो जाएगा। सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला? अरे वो सब्जी थोड़ी जल गई थी। अरे नमक क्यों नहीं डाला? हम लोग संस्कारी लोग हैं, जले पे नमक नहीं छिड़कते हैं। जिंदगी में माँ बाप के सिवा दूसरा कोई नहीं होता है, इसीलिए जल्दी से शादी कर लो और माँ बाप बन जाओ। हाँ, संसार की सभी औरतें अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को श्रवण कुमार बनते नहीं देख सकती। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो शादी करने से डरते हैं कि कहीं बीवी बर्तन न धुलवाए। अरे पागलो, 10 ही मिनट तो लगते हैं। जिस घर से बर्तन धोने की बिल्कुल भी आवाज ना आए, तो समझ लीजिए कि वहाँ बर्तन औरत नहीं बल्कि औरत का पति धो रहा है। अरे केवल 2 तरह के आदमी औरत को समझ नहीं पाए, एक कुंवारे और दूसरे शादीशुदा लोग। जो समझ गए वे साधु बन गए। अरे स्त्री और मिस्त्री से टकराने का मतलब है घर का नक्शा बिगाड़ना। अरे पहले की बहुएं घबराई रहती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी, और आजकल की सास घबराई रहती हैं कि कहीं रील बनाने वाली बहू न मिल जाए। अरे 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो जाए तो टीबी बन जाती है, और समय से गर्लफ्रेंड न बदलो तो बीबी बन जाती है। अरे चावल बीनते समय कंकड़ पत्नी को भले ही नजर ना आए, पर पति के शर्ट पर चिपका हुआ बाल उसे 20 फुट की दूरी से ही दिख जाता है। एक औरत आपको करोड़पति बना सकती है, अगर आप अरबपति हैं तो। हाँ, आज पत्नी के सामने मुझे हिचकी आई तो उसने सटाक से पूछा, अरे कौन चुड़ैल तुम्हें याद कर रही है? इतने में उसकी माँ का फोन आ गया। यार तुम इतना ज्ञान कहाँ से लाते हो? अरे इतना आसान नहीं है ज्ञान प्राप्त करना। अरे मैं जानता हूँ इतना आसान नहीं है ज्ञान प्राप्त करना,
पर भाई उपाय तो बताओ, हम भी तुम्हारी तरह ज्ञानी बनना चाहते हैं। अच्छा तुम भी मेरी तरह ज्ञानी बनना चाहते हो? हाँ भाई, इसके लिए तुम्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। अरे क्या कष्ट झेलना पड़ेगा, अरे तुम्हें गुलामी भी करनी पड़ेगी। मैं ज्ञान प्राप्त कल सुबह 5 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? हंस क्यों रहे रे पागल? क्योंकि मैं उठता ही 9 बजे हूँ। अच्छा तो कल सुबह फांसी देना कैंसल, आज शाम में देंगे। लेकिन चलो साले मेरे पैसे कब देगा, पैसे कब देगा मेरे? अबे साले ये कोई तरीका है पैसे मांगने का? अच्छा तू सिखा दे। चल मैं सिखाता हूँ तेरे को पैसे कैसे मांगते हैं, ठीक है? यही खड़ा रहे। साले मेरे पैसे कब देगा? ठीक है ठीक है, अब तू खड़ा रहे मैं करता हूँ, ठीक है? पैसे मांग। रोल कैमरा एक्शन। ऐसे निरेख नमकना रे मेरा पतंग। एक कट कट कट, तू साला डांस कर रहा है कि पाद रहा है रे? अरे सॉरी सर, गलती से निकल गया। लास्ट चांस दीजिए, अब अच्छा से करेंगे। करेगा? हाँ सर करो, अच्छा से करना, ठीक है? ठीक है सर। रोल कैमरा एक्शन। ऐसे निरेख नमकना रे अरे अरे इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। क्या हो गया? अभी तू क्या करते यहाँ पर? कुछ तो नहीं भैया। पैसा निकाला तो देखे 50 रुपए मेरा? नहीं तो नहीं तो। हम पुलिस है रे। अरे भैया, अरे नहीं भैया। पागलों को मोर देखे, चांद को चकोर देखे, तुझको नसीबों वाला। कहाँ गया वो खेत में हगने वाला? पाँच लाख तो मिलेगा ना? किससे? इसके बाप से। तू जानता है इसके बाप? वो तो इसकी माँ जानती होगी ना। तो माँ कौन है इसकी? अरे वो तो इससे पूछ लेंगे। तो ये कौन है? इसे तो वो जानते होंगे ना। वो कौन? इसके माँ बाप। अरे अखिल भाई तेरा तो पेट एकदम मटके जैसा है, नीचे नल भी लगाए पानी पिएगा? अरे साले गजब बेइज्जती। तेरी आंखों में डर क्यों नहीं दिख रहा मुझे? जरा ठीक से देखो चाचा, अंदर ही होगा। प्रिया उड़, पूजा उड़, पूजा उड़, पिंकी उड़, पिंकी उड़, प्रीति उड़, प्रीति ना उड़ता टहल दे टहल। प्रीति हमारे गर्लफ्रेंड लगो। सलामी के माले लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, मगर मेरे दोस्त सच बात तो ये है कि 4 लोगों के बिना कोई जाता नहीं और 2 लोगों के बिना कोई आता नहीं। हर तगड़ी मैच करी भाई तन, मैं कुछ गलत कर तू पता? ना 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 ये बढ़िया। हर घड़ी अरे क्या हुआ, इतना उदास क्यों बैठी हो? अरे यार सब कहते हैं कि तमीज से बात किया करो, तुम्हारे पास तमीज का नंबर है क्या? भगवान के नाम पे कुछ दे दे भैया। अरे दामाद जी आप? अरे ससुर जी, सॉरी ससुर जी, अपने घरों भीख मांगने आ गया। दामाद जी भिखारी है? अरे भाई वो लड़की देख मुझे हंस हंस के देख रही है। अबे साले वो तुझे हंस हंस के नहीं देख रही है, वो तुझे देख के हंस रही है। नीचे देख,
तो भाई सब ठीक है ना? हाँ भाई सब ठीक है। भाई तेरे 100 रुपए बाकी थे ना? हाँ भाई। ये ले 50, 50 बाद में दूंगा। ठीक है भाई। और भाई मेरे 100 रुपए? ये ले 50, 50 बाद में दूंगा। और भाई मेरे 100 रुपए? ये ले 50, 50 बाद में दूंगा। ये ले भाई तेरे बाकी के 50 रुपए, तेरा मेरा हिसाब बराबर। ये ले भाई तेरे बाकी के 50 रुपया, तेरा मेरा हिसाब बराबर। ये ले भाई तेरे बाकी के 50 रुपए, तेरा मेरा हिसाब बराबर। चलो मिलते हैं। ठीक है भाई। सूरज भाई क्या हुआ? जय पहले पूजा ने हाँ कर दी। छोटा सा मेरा जहाँ है। अरे वाह, ये तो अच्छा बात है, पर उसने हाँ कैसे की? मैंने उससे पूछा कि तुम किसी और से प्यार करती है, तो उसने हाँ कर दी। क्यों? शादीशुदा लोग संडे को ऑनलाइन नहीं आते, क्योंकि उस दिन उनकी नागिन उनके पास ही रहती है। अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहां से तुम जाओ वहां सब तुम्हें याद करें, और जहां को तुम जाओ वहां सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। अरे आदमी भले ही अपनी बीबी को कभी गुड मॉर्निंग न बोले, लेकिन दूसरे की बीबी को मॉर्निंग विश करना कभी नहीं भूलता। क्या आप ठंडी से परेशान हैं? हाँ? तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। गर्लफ्रेंड की इतनी किल्लत चल रही है यार कि उसके हिस्से का प्यार भी पत्नी को ही करना पड़ रहा है। भैया भैया पैसे दे दीजिए। भैया हट बे, पैसा उसे नहीं मेरे पास। भैया 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 कुछ खिला दीजिए। भैया क्या खाएगा? आलू चौ। अच्छा ठीक है, लेकर। क्यों रे ये भगवान क्या जुलूम है।